हाय फ्रेंड, मैं निशा, आप देख रहे हैं निशा कुकिंग। सो आज मैं आपके लिए कुछ अलग सी रेसिपी लाई हूँ। या जो आप देख रहे हैं, बड़ा हाल का फूल है, यह अक्सर गांव में आसानी से मिल जाता है। यह हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मैं सब्जी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, करीब आधा टुकड़ा अदरक का टुकड़ा ली हूँ, 7 से 8 लहसुन का हरी मिर्च या थोड़ा सा लहसुन ली हूँ। लहसुन अदरक प्याज को डालकर मैं एक पेस्ट बना ली हूँ। अब एक कढ़ाई को मैं गर्म कर रही हूँ। इसमें 2 बड़े चम्मच में तेल डालूँगी। तेल हल्का सा जब मेरा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। अब मैं इसमें तेल मेरा गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं उठने लगा है। मैं 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। आप इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं। अब जीरा को हल्का सा तड़कने दें। जब हल्का सा लाल हो जाएगा तब मैं इसमें जो लहसुन प्याज मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाई उसे डालूंगी। यह सब्जी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसका स्वाद थोड़ा खट्टापन होता है। अब मैंने जो पेस्ट तैयार किया था उसे डालकर हल्की आंच पर करीब 5 से 7 मिनट तक, या उससे कम में भी आप भून सकते हैं। अगर हल्की आप आंच पे भूनेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैंने यहाँ जो टमाटर लिया था उसे काट के मिक्सी की जार में डाल ली हूँ। और मैं इसमें करीब 1 चम्मच राई डालूँगी। इसी के साथ उसका भी पेस्ट बना लूँगी। अगर आप चाहे तो उसे अलग से पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन इतनी थोड़ी सी राई कहाँ आप पीसने जाएंगे, इसलिए इसी में आप पीस लेंगे तो अच्छा सा तैयार हो जाएगा। इधर मेरा तड़का भी लाल हो रहा है। जब मेरा तड़का अच्छे से पक जाएगा तब मैं इसमें जो टमाटर का पेस्ट और राई का पेस्ट बनाई उसे डाल दूँगी। इसे डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएँगे। इसे भी धीमी आंच पर अच्छे से पकाएं। जब टमाटर पूरी तरह से पक जाए, टमाटर तेल छोड़ने लगेगा, तब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। मसाले में हम गरम मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कस्तूरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। आप हल्दी पाउडर थोड़ा ही यूज कीजिएगा क्योंकि उसका कलर ऑलरेडी पीला ही है। 1 चम्मच गरम मसाला, 1/3 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालकर इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। इस मसाले को भी 1-2 मिनट अच्छे से भूनेंगे। मैंने जो बढ़ाल लिया था उसे मैंने काट लिया है। अब बढ़ाल को 2 से 3 टुकड़े में काट सकते हैं। उसे अच्छे से धुल लें। उसके बाद इसी मसाले में ऐड करके 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। अब देखिए मसाला कितने अच्छे से पक चुका है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। इसे 2 से 3 मिनट और ढक के पकाएंगे ताकि मसाले तले में पकड़े ना। मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ ताकि बड़ाल अच्छे से पक जाए। अब इस बड़ाल को इसमें ऐड कर रही हूँ। बड़ाल को पकने में करीब 5 से 7 मिनट भी का टाइम लगेगा। मध्यम आंच पर आप इसे ढककर पकाएं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे बड़ाल में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। यह स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यह स्वाद अनुसार नमक डालकर मैं इसे ढक के रख दूंगी गैस पर मध्यम आंच पर। देखिए मेरी सब्जी पक रही है। जब यह पूरी तरह से पक जाएगा तो इसे मैं आज से उतार लूँगी। इसे आप चावल या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।